पानीपत में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। आपको बता दें कि हादसा पानीपत शहर में रिफाइनरी रोड पर हुआ है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ई स्कूटी को ऐसी टक्कर मारी कि हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और प्रत्यक्षदर्शी जो उसका छोटा भाई था, वो तुरंत जब वो घायल हुआ तो उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मृतक एक निजी स्कूल की बस चलाता था और वो 7 साल के इकलौते बेटे का पिता था और 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसका नाम नवीन बताया जा रहा है। एक बार भाई की सुनते हैं, भाई ने क्या कुछ कहा। सर, मेरा भाई और मैं मार्केट गए हुए थे सामान लेने के लिए, तो मेरा भाई आगे आगे था, मैं पीछे पीछे था। अपने जो चौकी के पास ये फ्लाई ओवर है, जो पुल के ऊपर रेलवे लाइन के पास, इस पे एक ट्रक वाला सामने से आया, ओवर स्पीड में था, आगे से टक्कर मारी और मैं पीछे से था। और बड़ा के मैं वहीं पे कुछ ही दूरी पे था, मैं वहीं पे बाइक रोक दी मैंने। देखा तो कुछ रागी सारे इकट्ठे हो गए वहाँ पे, और देखा तो एम्बुलेंस भी आ गई उसी टाइम और फिर यहाँ हॉस्पिटल ले आई। कितने बजे की बात है कल की? ये लगभग है जी 8:30 बजे की बात है, 8:15 बजे की बात है जी, रात के वक्त। हाँ जी। आप किस चीज़ पे थे? मैं बाइक पे था जी, पीछे से। वो क्या किस चीज़ पे थे? वो एक्टिवा पे थे, इलेक्ट्रिक स्कूटरी जो होती है। पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को दी शिकायत में विकास ने बताया कि वो अर्जुन नगर काबड़ी रोड का रहने वाला है। वो बाइक रिपेयरिंग का काम करता है। 6 फरवरी को वो अपनी बाइक पर और उसका भाई नवेद ए स्कूटी पर सवार होकर बाजार से रिफाइनरी रोड से होते हुए घर आ रहे थे। उसका भाई उससे आगे कुछ दूरी पर चल रहा था। रात करीब 8 बजे जब वे रिफाइनरी रोड रेलवे पुल के ऊपर चढ़ने लगे, तो सामने से एक ड्राइवर ट्रक को बड़ी तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाता हुआ आया और उसके भाई की स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उसका भाई सड़क पर गिर गया। ट्रक ड्राइवर थोड़ी देर के लिए रुका, इस दौरान ट्रक का नंबर भी नोट कर लिया गया था। इसके बाद वो वहां से फरार हो गया था। उसने अपने भाई को संभाला तो वो खून से लथपथ हालत में था। तुरंत एम्बुलेंस की मदद से उसे सरकारी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाँ जी। इसकी इसमें आपको गलती लगती है? ये ट्रक ड्राइवर की है सर, ओवर स्पीड में था। ओवर स्पीड में था। हाँ जी। कौन सी मार्केट में आए हुए थे? ये अनेजा पटरम के पास थे जी। अच्छा। हाँ जी। यहाँ से आप कहाँ जा रहे थे? यहाँ से घर ही जा रहे थे जी। बस कहाँ के रहने वाले हो? ये अर्जुन नगर के है जी। अर्जुन नगर। हाँ जी। क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? कार्रवाई चाहिए जी, बस प्रशासन से कार्रवाई चाहिए जी। जो मृतक है उनका क्या नाम है? उनका नवीन है जी। अच्छा, शादीशुदा है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? एक लड़का है जी। एक लड़का। कितने साल का है? 7-8 साल का है जी। 7-8 साल। और परिवार में कौन है? और मम्मी है, पापा है, एक भाई और है। तो तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा परिवार मौजूद है। छोटे भाई ने पूरी घटना के बारे में बताया कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। भाई की आंखों के सामने ही उसके बड़े भाई की मौत हो गई। उसका कहना है कि तेज रफ्तार ट्रक की वजह से ये हादसा हुआ है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था, लेकिन उसका नंबर नोट कर लिया गया। फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक के भाई ने बताया है कि उसका जो बड़ा भाई था उसका नाम नवीन है और वो 7 साल के इकलौते बेटे का पिता था और 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। हादसे के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।